हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू जांगिड नव भारती परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर कक्षा 6 का चैप्टर है 4, नाउन नंबर संज्ञा में वचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन नंबर्स। संज्ञा में वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। तो सबसे पहले हम सिंगुलर नंबर पढ़ेंगे। ए नाउन विच टेल अस फॉर वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। संज्ञा में एक व्यक्ति, एक स्थान, एक चीज़ और एक जानवर के बारे में बताया जाता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे कि एक कैट, बॉय, गर्ल, ये सब एक हैं तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर नंबर। अब आगे हम देखते हैं प्लूरल नंबर। ए नाउन विच टेल अस फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। एक संज्ञा में एक से अधिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक प्लेस, थिंग और जानवर। जो एक से अधिक होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कैट्स यानी एक से ज़्यादा है तो बिल्लियाँ कैट्स, बॉयज़ एक से ज़्यादा है तो लड़के, एक से ज़्यादा है तो लड़कियाँ गर्ल्स, इस तरह से। यानी कि एक से ज़्यादा जो बताया जाता है, जैसे एक से पिक्स में बताया गया है एक से ज़्यादा बिल्ली हैं तो ये है कैट्स, एक से ज़्यादा लड़की हैं तो ये हैं गर्ल्स। तो एक से ज़्यादा जो बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो प्लूरल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे नाउन ऑफ नंबर हम देखते हैं, बॉय का बॉयज़, कै सिटी सिटीज़, टूथ टीथ, माउस माइस, बॉक्स का बॉक्सेस, नाइफ का नाइफ्स, पुलिस का पुलिस, फॉक्स का फॉक्सेस। अब इन नंबरों के अंदर किसी में एस लग रहा है, किसी में ई एस लग रहा है, किसी में स्पेलिंग ही बीच की चेंज कर दी है और किसी में बिल्कुल मीनिंग ही चेंज कर दी है। किसी में लास्ट में एफ ई की जगह वी ई एस लग रहा है तो किसी में पुलिस का पुलिस ही, जैसे कि सेम स्पेलिंग है और किसी में ई एस लग रहा है। तो इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, तो पहले हम इन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले रूल नंबर 1, एड एस टू मोस्ट ऑफ नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल में डोर यानी डोर्स, फ्लावर यानी फ्लावर्स, बुक का बुक्स, ट्री यानी ट्रीज। यानी एक से जो ज़्यादा है मोस्ट ऑफ नाउन है तो उसमें एक से ज़्यादा जो फ्लावर है तो उसमें फ्लावर्स, बुक है तो बुक्स, ट्री है तो ट्रीज। अब आगे देखते हैं रूल नंबर 2, एंड ई एस एंडिंग विथ एस, एस एच, डबल एस, सी एच और एक्स। यानी वर्ड के अंत में ई एस लगाते हैं जब जब वर्ड में एस या एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स हो। यानी कि शब्द के वर्ड के अंत में अगर एस हो, एस एच हो, डबल एस हो, सी एच हो या एक्स हो तो हमें ई एस लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे बस, यानी बस में लास्ट में क्या है, एस है तो हमें यहाँ लगाना है ई एस। वॉच, वॉच में लास्ट में है सी एच तो हमें इसमें ई एस लगाना है। डिश, तो डिश में लास्ट में है एस एच तो हमें ई एस लगाना है। गैस, गैस में लास्ट में है एस तो हमें गैसेस यानी ई एस हमें लगाना है। जैसे चर्च, चर्च में लास्ट में सी एच है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ई एस लगाना है। ब्रश, ब्रश का होगा एस एच है इसमें तो इसमें भी ई एस लगेगा। ग्लास, ग्लास में डबल एस है तो इसमें भी ई एस लगेगा। मैच, मैचेस तो इसमें भी सी एच है तो इसमें भी ई एस लगेगा। बेंच, बेंचेस तो इसमें ई एस लगेगा। बॉक्स में एक्स है लास्ट में तो इसमें भी ई एस लगेगा। अब रूल नंबर 3 आगे देखते हैं, वर्ड्स विथ एंड विथ ओ। यानी वह शब्द जिसका जिसका अंत ओ से होता है
तो इसके भी एक रूल, इसके भी दो रूल्स हैं। तो इसके हम पहला रूल्स हम देखते हैं, इफ देयर इज वोवल बिफोर ओ देन एस इज यूज, यानी ओ से पहले अगर वोवल है तो हमें एस लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में रेडियो, तो रेडियो में ओ से पहले आई है यानी कि वोवल है, तो यहाँ पे एस लगेगा। बेम्बो, बेम्बो में भी डबल ओ है तो यहाँ भी एस लगेगा, यानी ओ से पहले भी ओ है तो यहाँ भी एस लगेगा। कुकू, कुको में भी ओ है तो यहाँ भी एस लगेगा। अब दूसरा, इसी का दूसरा एग्जाम, इसी का दूसरा रूल है, इफ़ देयर आर एनी कॉन्सनेंट्स बिफोर ओ देन ई एस इज यूज, यानी कि इसमें अगर ओ के पहले कॉन्सनेंट हो तो इसमें ई एस लगेगा। जैसे पोटैटो, तो पोटैटो में ओ से पहले यहाँ पे टी है यानी कि ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे इसके इसमें ई एस लगेगा यानी पोटैटोस। हीरो, अब हीरो में भी ओ से पहले आर है तो इसमें भी ई एस लगेगा। मैंगो, मैंगो में भी ओ से पहले जी है तो इसमें भी ई एस लगेगा यानी कि मैंगोस। गैस, तो इसमें भी गैस से पहले, इसमें भी गैस से पहले ई एस है तो इसमें भी गैसेस। रूल नंबर 4, वर्ड्स दैट एंड विथ वाई, यानी कि वर्ड के अंत में अगर वाई हो, यानी कि वाई से वर्ड अंत होता है, तो इसमें भी इसके दो रूल्स हैं। इफ़ देयर इज़ ए वोवल बिफोर वाई देन एस इज यूज, यानी कि वाई से पहले अगर वोवल है तो इसमें एस लगेगा। जैसे कि बी ओ वाई, यानी कि ये बॉय है तो इसमें वाई से पहले कॉन्सनेंट है, ओ सॉरी वोवल है तो इसमें एस लगेगा यानी कि बॉयज। टॉय, तो टॉय में भी वाई से पहले ओ है यानी कि वोवल है तो यहाँ भी टॉयज एस लगेगा। की, के ई वाई की, तो इसमें वाई से पहले वोवल है तो इसमें भी एस लगेगा। मंकी, मंकी में भी वाई से पहले ई है तो इसमें भी एस लगेगा। अब इसी का दूसरा रूल है, इफ़ देयर इज एनी कंसोनेंट बिफोर वाई देन वाई हैज़ टू बी रिमूव एंड रिप्लेस विथ आई ई एस, यानी कि किसी वर्ड में वाई से पहले कंसोनेंट हो तो हमें वाई को हटाकर वहाँ पे आई ई एस लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं स्टोरी, तो स्टोरी में वाई से पहले कॉन्सनेंट आर है तो इसमें हमें वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। बेबी, बेबी में भी बी से वाई से पहले इसमें बी है तो हमें वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। कंट्री, कंट्री में भी वाई से पहले कॉन्सनेंट है आर तो इसमें भी वाई को हटाकर आई ई एस यानी कि कंट्रीज। सिटी, सिटी में वाई से पहले टी है तो इसमें भी टी को वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है यानी कि सिटीज। अब आगे फाइव नंबर रूल हम देखते हैं, एड वी ई एस एंडिंग विथ एफ और एफ ई, यानी कि शब्द वर्ड के अंत में एफ और एफ ई हो तो हमें उसकी जगह वी ई एस हमें लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं थीफ, तो थीफ में एंड में क्या है एफ है तो हमें एफ को हटाकर यहाँ पर वी ई एस लगाना है। जैसे कि थीफ का होगा थीव्स। नाइफ, नाइफ में लास्ट में एफ ई है तो हमें एफ ई को हटाकर वी ई एस हमें लगाना है यानी कि नाइफ यानी एक से अधिक चाकू। वुल्फ, वुल्फ में भी लास्ट में एफ है तो हमें एफ को हटाकर वी ई एस लगाना है यानी कि वुल्फ्स। वाइफ, वाइफ में लास्ट में एफ ई है तो हमें एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाना है यानी कि वाइफ्स। रूल नंबर 6, आगे देखते हैं, द स्पेलिंग्स ऑफ सम वर्ड्स इज चेंज टू प्लूरल। अब हमें इसमें प्लूरल बनाने के लिए बीच में से स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, लेटर चेंज करते हैं। जैसे कि मैन का मैन हो गया, इसमें ए को हटाकर ई लगाया गया है, इसमें हो गया वुमेन, इसका होगा विमेन
यानी इसमें एक को हटाकर इसमें भी बहुवचन बनाने के लिए ई लगाया गया है। ऑक्स, ऑक्स का हो गया ऑक्सन, यानी इसमें ई एन लगाया है बहुवचन बनाने के लिए। टूथ, टूथ का हो गया इसमें टीथ, इसमें डबल ओ को हटाकर इसमें डबल ई लगाया गया है। आगे आगे हम देखते हैं रूल नंबर 7। सम वर्ड्स हैव द सम सेम सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं। यानी कि शीप, इसका हो गया शीप ही होगा, सिंगुलर और प्लूरल इसका सेम ही होगा। डियर, इसका भी डियर ही होगा। पुलिस, इसका भी पुलिस ही होगा। स्कोर, स्कोर्स, स्कोर, तो इसके भी सिंगुलर और प्लूरल इसके सेम ही होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखते हैं रूल नंबर 9। सम मेटेरियल नाउन्स आर यूज इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली, कुछ जो मेटेरियल नाउन्स होते हैं उसमें सिंगुलर फॉर्म ही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं पेपर, तो पेपर का प्लूरल होगा पेपर ही होगा। स्टोन का स्टोन ही होगा। वुड का वुड, लाइट का लाइट, यानी इसके भी सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होंगे। आगे देखते हैं हम नोट्स। काउंटेबल नाउन्स आर प्लूरल ओनली, यानी काउंटेबल नाउन ही प्लूरल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट हैव प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डू नॉट हैव प्लूरल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी प्लूरल नहीं होते। द वर्ड्स इज एडेड टू मेक इट प्लूरल ऑफ वर्ड दैट डू नॉट फेल अंडर एनी ऑफ दीज रूल्स विच चेंज इट इज, यानी कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जिनके प्लूरल को हम जब चेंज करते हैं तो इसके मतलब ही बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे सेंट, तो सेंट का मतलब होता है बालू, और इसमें जब एस लगाते हैं सेंट्स तो इसका मतलब ही बदल गया, यानी कि रेगिस्तान। यानी कि पहले एस नहीं लगा हुआ था तो पहले बालू था और एस लगाने के बाद में रेगिस्तान हुआ। अब नीचे देखिए वाटर, वाटर यानी होता है पानी, तो अब इसमें एस लगाने के बाद में वाटर्स यानी कि समुद्र। आगे देखिए गुड, गुड यानी होता है अच्छा, लेकिन गुड्स यानी कि एस लगाने के बाद में इसका मतलब हो गया सामान। ये थे इसके कुछ नियम और नोट्स। अब आगे हम आपको नए वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।